मधेपुरा जिले के उदाकिशनगंज थाने की पुलिस ने खगड़िया जिले के मोस्ट वांटेड अपराधी इंदल कुमार को उसके साथी के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने उनके पास से दो देशी कट्टा और एक दर्जन जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बताया जाता है कि खगड़िया जिले के मोस्ट वांटेड अपराधी इंदल कुमार अपने एक साथी के साथ एक कार पर सवार होकर मधेपुरा में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए आ रहा था, जिसकी भनक उदाकिशनगंज पुलिस को लग गई और पुलिस ने समय रहते ही दोनों का धर दबोच कर उनके नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मोस्ट वांटेड अपराधी इंदल कुमार के खिलाफ खगड़िया के बेलदौर थाने में आधा दर्जन से अधिक संगीन आपराधिक मामले पूर्व से ही दर्ज हैं और उन सभी मामले में इंदल फरार चल रहा था, जिसकी तलाश खगड़िया पुलिस को वर्षों से थी। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उदाकिशनगंज के SDPO सतीश कुमार ने बताया कि 16 जनवरी को बुधवा कैंप पर प्रतिनियुक्त पुलिस अवर निरीक्षक विकास कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि खगड़िया जिले का मोस्ट वांटेड अपराधी इंदल कुमार एक छोटी कार पर अपने सहयोगी के साथ किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए बैजनाथपुर की तरफ आ रहा है। पुख्ता जानकारी मिलते ही पुलिस अवर निरीक्षक विकास कुमार अपने दल बल के साथ उदाकिशनगंज थाना क्षेत्र के रामजी बासा गांव के पास वाहन चेकिंग करने लगे। उसी दौरान खाड़ा गांव की तरफ से एक छोटी कार को आते देखा गया। कार को रोकने के लिए पुलिस ने कार चालक को इशारा किया तो पुलिस के इशारे को अनदेखी कर कार चालक कार को लेकर भागना चाहा, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के कारण वो भाग नहीं सका और पुलिस के पकड़ में आ गया। SDPO सतीश कुमार उदाकिशनगंज पुलिस की इस कार्रवाई में खगड़िया जिला का मोस्ट वांटेड अपराधी इंदल कुमार, पिता मनोज कुमार मंडल, घर सकरोहर वार्ड नंबर 13 थाना बेलदौर जिला खगड़िया, और किशन कुमार उर्फ किशन कुमार पिता सुबोध सिंह घर पिपलाबासा थाना बेलदौर जिला खगड़िया को दो देशी कट्टा 12 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है और साथ ही WB24K7635 नंबर की कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। उदाकिशनगंज के SDPO सतीश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश इंदल कुमार के खिलाफ खगड़िया के बेलदौर थाना में आधा दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं और सभी मामले में इंदल फरार था, जिसकी तलाश खगड़िया पुलिस को लंबे अरसे से थी और आखिरकार उदाकिशनगंज पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी अमल में लाकर एक बड़ी घटना को घटित होने से रोक कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। उदाकिशनगंज से प्रेस कुमार मिट्ठू की रिपोर्ट। दिनांक 16/1/2023 को शाम लगभग 5 बजे खारा बुधवा में जो पुलिस पिकेट है उनको एक गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराध कर्मी बेलदौर थाना क्षेत्र से एक कार से इधर आ रहे हैं अपराध करने के लिए। इस सूचना पे इनके द्वारा तुरंत रमजिया चौक के पास वाहन चेकिंग करना प्रारंभ किया गया। वाहन चेकिंग करने के क्रम में ही कुछ देर के बाद एक चेवरोलेट कार उधर से आई, जो कि पुलिस के इशारा करने के बाद भी रुकने की कोशिश नहीं की, जिसको कि ज़बरदस्ती फिर गाड़ी को रोका गया। गाड़ी को रोकने के बाद चेकिंग किया गया। चेकिंग करने के क्रम में उसमें दो अपराध कर्मी मिले जिनके पास हथियार था, गोली था, और दोनों का नाम, एक का नाम इंदल है इंदल कुमार जो कि बेलदौर थाना का है खगड़िया का, और दूसरा किशन उर्फ कृष्ण कुमार ये भी बेलदौर थाना का ही है, और इनके विरुद्ध में कई आपराधिक घटनाएँ भी पहले से इनके ऊपर हैं और इंदल कुमार 2-3 हत्या के केस में भी वहाँ पर वॉन्टेड है, फिरार है, और इनकी गिरफ्तारी हुई है। जो भी पदाधिकारी इसमें शामिल थे इनके द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया है। इनके प्रोसेस इनके लिए हम रिवार्ड के लिए SP साहब से अनुरोध भी करें।